हेलो बच्चों सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो एज वन पार्ट ए बी सी डी करेक्टली आइडेंटिफाई विद हिट फंक्शन सो हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है ऑफ ह्यूमन लंग्स का एक छोटा सा पार्ट ऑफ एल्विला ब्लड वेसल हमें इसमें फोर लेबलिंग्स दी हैं ए बी सी डी हमें इन फोर लेबलिंग में से फोर ऑप्शन में से फाइंड करने की कौन सी कॉरेक्ट लेबलिंग है विद इट्स कॉरेक्ट फंक्शन सो लेट्स बिगेन अवर सोल्यूशन विद द की कॉन्सेप्ट सो की कॉन्सेप्ट में हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज द्यूमन लंग सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो हेयर द डायग्राम दैट गिवन इवन अवर क्वेश्चन एज वेल सो लेट्स स्टार्ट द लेबलिंग सो so, जो हमारी ए लेबलिंग है ये जो ए लेबलिंग है ये किसको दिखा रही है दैट इज़ दी एलवलर स्पेस इट इज़ दी एलवलर कैविटी और द एलवर स्पेस यहां पर क्या होता है मेन एक्सचेंज जो होता है वो यहीं पर होता है मेन एक्सचेंज ऑफ सी टू एंड ओ टू मेन एक्सचेंज जो होता है वो यहीं पर होता है सो so, लेट्स सी दी अनदर पार्ट दैट इज दी बी ये जो हमारा बी पार्ट है दैट इज दी रेड ब्लड सेल्स दैट इज दी रेड ब्लड सेल और ये मेजरली किसको कैरी करते हैं ये मेजरली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सो देन सी दी पार्ट सी पार्ट सी क्या है हमारा पार्ट सी इज दी ब्लड कैपिलरी ये क्या है हमारी ब्लड कैपिलरी ब्लड कैपिलरी है ये और बेसिकली ये जो कैपिलरी है ये हमारी आर्टरी है जो हमारे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेके आ रही है कहाँ से हमारे हर्ट के पास से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेके आ रही है सो दिस इज द्लड कैपिलरी और ये हमारी एक आर्टीरियल कैपिलरी है देन वी हैव द डी दैट इज द बेसमेंट ये क्या है बेसमेंट सब्सटांस है दैट इज बेसमेंट सब्सटेंस ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का एक पार्ट है किसका पार्ट है हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का सो हेयर्स द डायग्राम अकॉर्डिंग टू डायग्राम लेट्स बैक टूअर ऑप्शंस सो इफ आई टॉक अबाउट द ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या कह रहा है जो हमारा बी पार्ट है दैट इज रेड ब्लड सेल जो बिल्कुल सही बात है एंड इट ट्रांसपोर्ट मेनली स्योर टू नहीं जो ये है ये मेनली ऑटो को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन यह है वो रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन बी जो क्या कह रहा है सी जो है आर्टीरियल कैपिलरी है ये भी बिल्कुल सही है पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू बट ये चीज़ इन्होंने गलत कह दी बिकॉज जो आर्टीरियल कैपिलरी है ये हमारे हर्ट से ब्लड कहाँ पर लेके जा रही है एक्सचेंज के लिए एलवलाइस के पास सो so ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है ऑप्शन सी क्या कहता है ए जो है हमारा एलवेलर कैविटी है दैट इज मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस जो एक बिल्कुल सही ऑप्शन है बट बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन लेट सी दी डी ऑप्शन एज वेल ऑप्शन डी क्या कह रहा है जो हमारा डी पार्ट है दैट इज द कैपिलरी वॉल जो बिल्कुल गलत चीज़ है क्योंकि डी क्या है हमारा बेसमेंट मटीरियल सो ये जो ऑप्शन है ये यहीं पर इनकरेक्ट हो जाता है नाउ वी वर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन नंबर सी सो for this question option c is the correct answer i hope so i hope you understood it well we have proven our solution with the help of key concept as well thank you all the best